सिंक कर दिया गया है और इंशाल्लाह जनवरी के महीने में कमर्शियल ऑपरेशन उसकी भी स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि 1220 मेगावाट ये हो गया। इसके अलावा दो और प्रोजेक्ट 660 मेगावाट के, यानी कि 1320 मेगावाट के शंघाई इलेक्ट्रिक के, वो भी इंशाल्लाह अगले माह उसकी भी कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि थर के मकामी कोयले से 2640 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, नेशनल ग्रिड में सप्लाई की जा रही है। ये वो ख्वाब था जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने देखा और जिसको एग्जीक्यूट करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में उनके खावंद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और उनके बेटे वजीर खारजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना किरदार अदा किया। इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप ली, मालकी की। जब लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते थे तो जरदारी साहब इसके साथ खड़े हुए, बिलावल साहब इसके साथ खड़े हुए, कायम अली शाह साहब इसके साथ खड़े हुए, मुराद अली शाह साहब इसके साथ खड़े हुए और प्रोपेगेंडा का सामना किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फखरिया हम ये कहते हैं कि बाकी पावर प्लांट जो आपका साहिवाल में चल रहे वो इंपोर्टेड कोल पर चलता है, लेकिन हमारा ये 6 कारखाने लोकल थर के कोल पर चल रहे हैं और इंशाल्लाह 2640 मेगावाट बिजली, सस्ती बिजली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत की एफर्ट की वजह से हम पाकिस्तानियों को मिल पाएगी। और पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया, 225 अरब टन कोयला है, अगले 50 साल तक 1,00,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। और चूंकि ये इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, उसकी वजह मैं आपको कंक्लूड करते हुए बताऊंगा। ये मैं एक इंडेक्स लेकर आया हूं अपने साथ कॉस्ट के हवाले से। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ सोर्सेस से बिजली हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ सोर्सेस। उसमें सबसे सस्ती सोर्स है न्यूक्लियर, गैस है, फर्नेस ऑयल है, RLNG है, उसी तरह कोयला है। थर का कोयला सबसे सस्ता है, सबसे सस्ती बिजली अगर इस वक्त पाकिस्तान में मिल रही है वो थर के कोयले की वजह से मिल रही है। और इसका मैं रेट आपको देना चाहूंगा, ₹3.10 पर किलोवाट, ₹3.10 पर किलोवाट। और अगर लोकल मकामी गैस का आप रेट चेक करें तो ₹7.30 है। जो कोयला इंपोर्ट किया जाता है उसका रेट ₹19.40 है, फर्नेस ऑयल का रेट ₹21.20 है और RLNG जो इंपोर्ट की जा रही है वो 33.40 है। और अगर डीजल पे जाएंगे तो तकरीबन ₹53 है। इसके मुकाबले में इन पावर प्लांट्स लगने के बाद, अब चूंकि 6 पावर प्लांट्स लग गए हैं तो कीमतें कम होती जा रही हैं इसकी, ₹3.10 पर किलोवाट का KWH रेट है थर के मकामी कोयले का। ये मैं इसलिए ये यूनिट में कैलकुलेट मुझे करना पड़ेगा, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है उसके अंदर सबसे बड़ा जो कॉस्ट है हमारी वो पेट्रोल की है, डीजल की है, फर्नेस ऑयल की है। गालिबन साल में $27 अरब रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान खर्च करती है अपने पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में। टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 30 से 31 अरब है। आप मुझे बताएं कि मुल्क को कैसे आप बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप सही कर पाएंगे अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं होगी। तो मोहतरमा ने 94-95 में सोचा कि ये कहते ना थर बदलेगा पाकिस्तान, तो वो विजन था, वो सोच थी कि थर बदलेगा पाकिस्तान। और अब हमारा विजन, हमारा टारगेट ये है कि और इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगे ताकि और सस्ती बिजली मिले और वो सोशल चेंज थर के अंदर लेके आएगी। जिस तरीके से अब आ रहा है कि आपको
आप अभी पीटीआई वाले से सुनेंगे तो वो कहेगा कि थर के अंदर गुर्बत है, भूख है, अफलास है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको थर के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी नजर आएगी। हमने बनाई वो यूनिवर्सिटी। आप थर जाएंगे तो आपको खवातीन ट्रक ड्राइवर नजर आएंगी। कराची में आपको ट्रक ड्राइवर खवातीन नजर नहीं आती, इस्लामाबाद लाहौर में नजर नहीं आती, पिशावर में नजर नहीं आती, थर में खवातीन आपको ट्रक चलाते हुए नजर आएंगी। आपके आरओ प्लांट्स जो थर फाउंडेशन चला रहा है, वो खवातीन वहां की मकामी खातून जो अपने बच्चे को पालती है, अपने घर का ख्याल रखती है, घर गृहस्थी चलाती है, वो चलाते हुए नजर आएगी। ये है वुमेन एम्पावरमेंट। थर के मकामी लोग, उनको आपने जब सीपेक के जरिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए तो मकामी लोगों को आपने चीनी बाशिंदों के साथ अटैच किया ताकि वो हुनर हासिल कर सकें, उन्हें हुनर सीखा, उनको ट्रेनिंग के लिए चीन भेजा गया ताकि वो अपना हुनर मजीद बेहतर कर सके। ये विजन था कयादत का जो कहती है एड नहीं ट्रेड होना चाहिए। अपने लोगों को मुआशी तौर पर खड़ा करने के लिए आपको ये तमाम चीजें करने की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहम संग मील रियासत पाकिस्तान उबूर कर रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कयादत ने दूर का सोचा। काश कि उन कुवतों ने जो साजिशें करते हैं, काश उन कुवतों ने साजिशें नहीं की होती तो पाकिस्तान को शायद इस वक्त इतना फर्नेस ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़ रहा होता, कोयला इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा होता। आपको याद होगा जब 2019 में कमर्शियल ऑपरेशन पहले पावर प्रोजेक्ट की गई तो उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान को मधु किया गया, फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर को मधु किया गया। इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उमर अयूब साहब गालिबन वफाकी वजीर थे। प्रायोरिटी खान साहब की हुकूमत की यह थी कि वो सूबा सिंध का रुख करते, थर का रुख करते। क्यों? क्योंकि बुग्ज है, काम नहीं करना, बातें करनी है। लेकिन पीपल्स पार्टी की क्यादत मौजूद थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे, मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, महेश मलानी मौजूद थे, लोकल लोग वहां के मौजूद थे। और उस पॉलिटिकल ओनरशिप ने आज ये सोशल चेंज लेकर आ रही है जिसका इंपैक्ट हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगा। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा विंड कॉरिडोर। हम लोग वो कन्वेंशनल माइंड से चलते ना, हुकूमत जो भी आती है कहते बस ठीक है ऐसे चलाते रहो। अगेन पीपल्स पार्टी की क्यादत ने आगे का सोचा और कहा कि दुनिया भर जो है वो अब सोलर एनर्जी की तरफ चले गई है, विंड एनर्जी की तरफ चले गए, तो हम क्यों ना ये चीज करें। तो अगेन सूबाई सिंध के अंदर ठट्टा जिमपीर में आपका विंड कॉरिडोर है और विंड कॉरिडोर की कैपेसिटी जो पोटेंशियल है वो तकरीबन 50,000 मेगावाट का है पैदा करने का। लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सस्ती बिजली भी मिलेगी। सिंध हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सस्ते दामों पर इंसेंटिवाइज किया, जमीनें लीज पे दी। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि सूबा सिंध पाकिस्तान को वाहिद सूबा है और ठट्टा वो वाहिद जिला है जिसके अंदर जिमपीर में वो विंड पावर प्लांट्स लगे और इस वक्त वो 1,335 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और 26 इस तरह के पावर प्लांट्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। जमीन हमने फराहम की, 10 और पाइपलाइन में जो कि 510 मेगावाट मजीद पैदा करेंगे और इसी तरह मजीद 23 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 1,875 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे वो पाइपलाइन में। ये वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि साजिशें खत्म हो, वो कयादत जो आगे का सोचती है उसको काम करने दिया जाए, इंटरफेरेंस ना हो, मदाखलत ना हो, जिसका जो वो काम है वो काम करे। और अगर इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा तो इंशाल्लाह सस्ती बिजली भी मिलेगी लोगों को, मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हुनर भी मिलेगा,
और लोकल आबादी में सोशल चेंज आएगा, और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है जिसको इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे लेकर चल रहे हैं कि बैनुल अक्वामी सतह पर पाकिस्तान के बारे में जो बार बार ये नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है, बार बार ये जो मनफी बातें की जाती हैं, ये खत्म हो और बताया जाए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर खवातीन ट्रक भी चला रही हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हिंदू बिरादरी के लोग वजीर भी बनते हैं, जनरल सीटों पर इलेक्ट भी होते हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जिम्मेदारी के साथ आगे का सोच रहा है, और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में ये जो बेहतरी का सफर है, ये जो तरक्की का सफर है, इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। मैं ये करूं सर, सर ये बता देगा कि इमरान खान को आप अपनी पूरी पार्टी लाडला लाडला कहती रहती है, खबरें ये आ रही है कि उसी लाडले ने पीपल्स पार्टी को 2021 में एनआरओ दिया और उसी एनआरओ की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से रास्ते जो थे वो जुदा किए, इसका क्या कहना? यार पीडीएम जो है ना, मैंने बोला ना, साजिशें होती रहती हैं और साजिशें माजी में भी हुई, आज भी हुई, कल भी हमारे खिलाफ होती रहेंगी। पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई थी, तो हम कैसे पीडीएम से निकल सकते? पहली चीज, मैंने वो कॉलम पढ़ा जिसमें ये कहा गया है कि कैसे इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को डील फराहम की। ये ऐसी डील है माशाल्लाह, जिस डील के तहत आसिफ अली जरदारी साहब जेल गए, उनकी बहन फरियाल तालपुर साहब जेल गई अडियाला जेल, यहां से कराची से मुंतकिल करके उनको अडियाला जेल लेके गए। वजीर आला सिंध, सिंध का वजीर आला के खिलाफ इस्लामाबाद में केस बना, आज भी चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो, फरियाल तालपुर साहिबा हो, मुराद अली शाह साहब हो, अपने मुकदमा का आज भी सामना कर रहे हैं। लिखने वाला कहता है डील के तहत उन केसेस को कराची मुंतकिल कर दिया गया और डील हुई, केसेस खत्म। तो केसेस आज क्या कराची में चल रहे हैं? मेरा छोटा सा मासूमाना सवाल, आज भी वो केसेस इस्लामाबाद में चल रहे हैं, आज भी वो केसेस चल रहे हैं, ये डील हुई है। आप सोचिए कि आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर और इलेक्टेड कौमी असेंबली के मेंबर, फरियाल तालपुर साहिबा इलेक्टेड असेंबली की मेंबर, वजीर आला सिंध कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी सरबरा सिंध हुकूमत के, उनको कराची से इस्लामाबाद जाना पड़ता है पेशा भुगतने के लिए, और ये कहते हैं हमें डील दी गई। मैं समझता हूं ये बार बार इस तरह की चैमोगोइयां इसीलिए की जाती हैं कि ये जो अच्छे अच्छे काम किए हैं ना, ये जो मुस्बित काम किए हुए ना, इसको कैसे सबोड़ा किया जाए। क्या आज अगर दुनिया भर में पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, कोई मुस्बित बात हो रही है, एक ऐसा वजीर खारजा मौजूद है जो कि एक आर्टिकुलेट अंदाज से, इफेक्टिव अंदाज से पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर रहा है, तो उसको सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है? तो खुदा रहा, ये प्रोपेगेंडा से ना माजी में कोई फर्क पड़ा है, ना अभी कोई फर्क पड़ेगा। हमारा ताल्लुक अवाम से था, अवाम से है, अवाम के साथ रहेगा। अगर डील हुई होती तो इमरान खान साहब केसेस भुगत रहे होते और हम लोगों के केसेस खत्म हो चुके होते। हम तो आज भी केसेस का सामना करें और अदालतों के सामने ही ये करके शर्मा जी। मिर साहब, आपने सस्ती बिजली की बात की, कराची में सस्ती सियासत का रवाज भी शुरू हो गया है, और गवर्नर सिंह जो है वो रात रोजाना, जिस तरह पहले गवर्नर रात को निकलती थी, वो फिल्मों में, एक फिल्म है जिसमें रात को शहनशाह निकलता है और जालमों के खिलाफ काम करता है, वो पंजाब अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, तो नहीं मोना जट का तो वो किरदार खुद है। तो ये एक रात को जो सस्ती सियासत का दौर शुरू हो गया, उनमें उन लोगों को साथ बिठाने की बात करें जो अलहमदिल्ला बस चंद महीने पहले ही एक दूसरे को राय का एजेंट और भारतीय सूरमा पता नहीं क्या क्या कहते, रिकॉर्ड की बातें मैं नहीं कह रहा,
और वो सब रात को महाजर भी हो जाते हैं। राजवाना ने कहा मैं महाजर भी हूँ और फिर एमकेएम का नामजद करता भी हूँ, पता नहीं कल कुछ और भी कह दे। तो ये सस्ती बिजली के साथ सस्ती सियासत का जो रवाज शुरू हुआ है, ये क्रेडिट भी आपको जाता है। अच्छा मैं बताऊं, मैं बैठे सियासी कारकुन के इसमें बिल्कुल क्लियर हूं कि हर किसी को सियासत करने का हक हासिल है, वो सियासत करे। किस सियासी जमात के साथ रहना है, किस सियासी जमात के साथ नहीं रहना, क्या सियासी वाबस्तगी होनी चाहिए, मैं इसका भी हामी हूं कि जिसको जो करना है वो करे। मैं समझता हूं इल्जाम लगाते हैं ना जो लोग, उनको सोचना चाहिए कि अगर आज मैं ऐसी बात करूं जिसपे कल मैं यू टर्न लूं या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील करूं, तो उसी तरह का फिर आप क्या तंज वाला सवाल मुझसे पूछेंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि सियासत करना सबका हक है, सबको हक है कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी जिस तरीके से भी रखना चाहे वो रखें, ये उनका बुनियादी हक है और इसके ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। फैसला हमको ये करना चाहिए कि जातियात की सियासत करेंगे या अवामी सियासत करेंगे। फैसला हमें ये करना चाहिए कि अवाम की खिदमत होगी नहीं होगी, अवाम के मसाइल को हल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूँ तरजीहात हमारी ये होनी चाहिए कि हम कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए बेहतरी ला सकते हैं। अगर ये प्रायोरिटी हो और इस प्रायोरिटी को एक्चुलाइज करने के लिए कोई शख्स एफर्ट करे तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई शख्स जाती इंटरेस्ट में ये चीज करे तो मैं उसके ऊपर कमेंट करने वाला कोई भी नहीं। इस तरह कराची पर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो शादी होने जा रही है बीएससी और एमपी की, ये जबरदस्ती की शादी है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या पीपल्स पार्टी इसको शेड करेगी, क्योंकि चैलेंज तो ना सिर्फ पीटीआई के लिए पीपल्स पार्टी के लिए भी है, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है थोड़ा। देखिए मैंने कहा ना कि हर शख्स को सियासत करने का भी हक हासिल है, कि सियासी जमात के साथ रहने उसका भी हक हासिल है, इसके ऊपर मैं कोई भी नहीं होता कॉमेंट करने वाला। इसलिए मैंने आपको कहा मैं चाहता हूं बहसियत शहरी के सियासत वो की जाए जो मुस्बत है, सियासत वो की जाए जो पॉजिटिव हो, सियासत वो की जाए जिससे एक आम आदमी की जिंदगी में आप बेहतरी ला सकें। अपने इख्तदार के लिए, अपनी इज्जत के लिए आप चीजें करते हैं, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप एक आम आदमी की कैसे खिदमत कर सकते हैं। मैं समझता हूं कराची वालों को भी ये देखने की जरूरत है कि उनका मुकदमा कौन इफेक्टिवली लड़ सकता है, कौन उनकी खिदमत कर सकता है। पिछले एक सवा डेढ़ साल में कराची वालों ने देखा कि वो इदारे जिनको माजी में मफरूज कर दिया गया था, वो इदारे जो कि डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, उन इदारों ने माशाल्लाह काम किया, शहरियों को काम होता हुआ नजर आया। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि वो जो काम का सिलसिला है, जो बेहतरी का सिलसिला है, वो इसी तरीके से जारी हो सारी ऑफिस करके। मैं सबके पूछा सर, आप माशा से आए हो सोशल मीडिया की तस्वीर है, आप कैसे देखते हैं या देखो छोड़ने का तो जो इस्तेकाक है उसे बदालतों की बात है, हमारे पास तो इख्तियार नहीं है। ये एक जुडिशियल प्रोसेस है, जो सोशल मीडिया पे खबर चली उसके ऊपर एक बड़ी मुफसिल प्रेस कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने और प्रिजन मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ देर पहले की है, और होम डिपार्टमेंट ने पहले भी इस बात की तरदीद की कि हमारा कोई ऐसा जेल नहीं है जहां की ये तस्वीर है। फिर किसी ने कहा नहीं जेल नहीं, ये कोई अदालत का लॉकअप है शायद, तो उसकी भी तफ्तीश की जा रही है जो चीजें होंगी। बट मैं बहसियत कानून के तालिब इल्म के, बहसियत शहरी के समझता हूं इज्जत हुरमत सबकी है और किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि उसको वायलेट किया जाए। कानूनी प्रोसेस चलना चाहिए लेकिन डिग्निटी ऑफ मैन शुड नेवर बी वायलेटेड। तो मैं इसको रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगा कि एज ए गवर्नमेंट हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी की बेइज्जती हो या किसी के साथ किसी भी तरह की ज्यादती, और जब कभी भी किसी ज्यादती की निशानदेही की जाती है अगर वो बात दुरुस्त होती है तो हुकूमत कार्रवाई करती है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास तफसीलात हैं कि हमारे जेल में इस तरह की कोई चीज नहीं है, कुछ तस्वीर मिनिस्टर साहब ने भी और होम डिपार्टमेंट ने शेयर किए। मैं खुद जो हमारा विमेंस जेल है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अपनी माओ के साथ होते हैं, तो अगर आप कराची सेंट्रल जेल का विजिट करेंगे तो वहां पर विमेन सेंटर मौजूद है और वहां आप जाके देख सकते हैं कि फैसिलिटीज जो है वो बड़ी अच्छी हैं। बल्कि मैं तो वैसे तो मुशीर कानून इस बात पे फखरिया कहता हूं कि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने अंग्रेज का बनाया हुआ 125 साल पुराना कानून जो कि 1894 का था उसको खत्म किया और नया ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड कानून को मुतारिफ कराया। अब जरूरत इस बात की है कि हम उस कानून को
अच्छे अंदाज से ऐसे अंदाज से इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करें। अच्छा साहब, पंचायती इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं, या फिर से मुलतवी होंगे? अच्छा, अगेन ये सवाल का जवाब मैं आपको दे नहीं सकता, बिकॉज ये मेरा काम नहीं है। अगर मैं हलीम आदिल शेख को मैं जवाब दे देता, क्योंकि उसको तो पता है कि कुछ भी कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी छोड़ने की इजाजत है। तो जो अभी तक की मेरी मालूमात है वो ये है कि 15 जनवरी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट मुकर्रर की है इलेक्शन कराने की, कराची डिवीजन में और हैदराबाद डिवीजन में। हमें अलबत्ता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि अगर आपकी हलका बंदी पर कोई एतराज हो तो आप हुकूमत के पास जा सकते हैं, अदालत ने खुद फैसला नहीं किया, उसने बॉल हमारे कोर्ट में ट्रांसफर कर दी और इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में ट्रांसफर कर दी। तो वो उनकी जो दरखास्त है वो हुकूमत को मौसूल हुई, और चूंकि अदालती फैसला ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत को ये फैसला करना है, तो हमने उनकी दरखास्त को इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर दी है। अभी तक हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। तो अभी तक की मालूमात के मुताबिक 15 जनवरी को इलेक्शन होना है। यार एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना वो कानून का होता है, सरकार का होता है, और इस पर नासिर शाह साहब ने एक बार बड़ी क्लियरली बात कही थी कि किसी सियासी जमात का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, वो सरकार का होता है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर था केएमसी का, तो मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना किसी सियासी जमात को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं कराची की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा था, काम करने की कोशिश कर रहा था। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो सरकार का पब्लिक सर्वेंट है, उसका काम है काम करना। अब इलेक्शन कमीशन ने गालिबन कोई खतो किताबत हुकूमत के साथ स्टार्ट की है कि उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को तब्दील कर दिया जाए, तो मुझे बड़ी हैरत होती है। मुझसे किसी ने पूछा कि जब वो उन्होंने ये खत लिखा तो उन्होंने कहा मुबारक हो आप वापस आ गए हैं, शायद मेरे केस में ये नहीं कहा था उन्होंने। तो सुहेल उड़ाई साहब कह रहे हैं तो खुला तजाद है। लेकिन कराची के शहरी जो है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं कहा मेरे दौर में मैंने कोशिश की अब्दुल इमकान मैं खिदमत कर सकूं, और मैं मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर से ये रिक्वेस्ट करता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि बेहतरी का सफर, खिदमत का सफर जारी और सारी रहेगा। सवाल आपने कहा खिदमत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो स्टेट क्राइम है ना, आप मुशीर कानून भी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक वो कानून नहीं बना जो जराइम याफ्ता लोग कह रहे हैं 7,000 के करीब छूट जाते हैं फिर वो जुर्म करते हैं, उनके डिवाइस कौन छोड़ता है? पुलिस छोड़ती है, अदालतें छोड़ती है उसको? नहीं सर, क्लियर करें, कौन छोड़ते हैं? अदालतें हमको कौन छोड़ते हैं? अदालतें छोड़ती है, पुलिस नहीं छोड़ती, हुकूमत नहीं छोड़ती। देखिए इस पर बड़ी, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अदालत शुमार के साथ करूंगा। देखिए ये तासुर की कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि किसी शहरी की जान जाए, कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि किसी का प्यारा उससे बिछड़े। हम जनाजे अटेंड करते हैं लोगों के जाके, वो जो पुलिस वाला शहीद हुआ था पिछले दिनों उसका जनाजा मैंने अटेंड किया, उसकी 7 साल बेटी को मैंने उसके बाप को सलूट करते हुए देखा। ये ना कहें कि हम छोड़ते हैं या पुलिस छोड़ती है, हम सामना कर रहे हैं, जो छोड़ते हैं उनसे भी सवाल पूछा करें। नेक्स्ट, पौने 4 अरब रुपए का महंगा स्कैंडल जो है वो आपके नाम के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या आपने कोई मनपसंद अपने दोस्तों को ठेके में के दिए, क्या मामला चलिए? मैं खबर आपको तो कोई ठेका नहीं दिया मैंने आपको। 4 अरब रुपए मैंने आपको भी नहीं दिया, तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि एक डेवलपमेंट, एक आम आदमी जो है ना उसका पर्सपेक्टिव होता है कि उसको काम चाहिए, काम होते हुए उसको नजर आना चाहिए। हमें अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि माफिया हर जगह है, जिसको काम मिल जाता है वो कहता है बल्ले बल्ले, जिसको काम नहीं मिलता वो कहता है इनके थल्ले। हाँ। मसला हमारा ये है, तो जिस किसी को भी काम नहीं मिलेगा वो इल्जाम लगाएगा। हमारा टारगेट बैसीत शहरी के और बैसीत हुकूमत के भी, मेरा बड़ा क्लियर है, काम होता होना चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए, काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा करने के बाद काम किया जाए। मेरे दौर में जो काम हुआ है वो कानूनी तकाजे पूरा करने के बाद किया गया है, और वो काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक काम जो स्टार्ट होना था 4.25 अरब रुपए का शहर के अंदर,
जिससे आपको भी फायदा होता, आपको भी होता, सबको होता, कि वो सड़कें बन जाती, स्ट्रीट लाइट ठीक हो जाती। उसके ऊपर अगेन अदालत ने एक स्टे ऑर्डर दे दिया और स्टे ऑर्डर चल रहा है, अदालत फैसला कर लेगी क्या है उस काम को कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। थैंक यू।